यस, तो देखिए जो चैप्टर सेकंड है आपका, उसकी नोटबुक आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो आपको एक ऐसी नोटबुक लेनी है जिसमें एक पेज रूल्ड होगा और एक पेज आपका अनरूल्ड होगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, ऐसी नोटबुक्स आप मार्केट से ले लेना, ठीक है। तो एक तरफ रूल्ड, एक तरफ अनरूल्ड, ठीक है। क्योंकि ये वाले चैप्टर्स पढ़े ही ऐसे जाते हैं, जब हम किसी काम को बहुत अच्छे से करते हैं, एकदम यूनिकली करते हैं, और जिस काम को करने के बाद हमारा मन एकदम खुश हो जाता है। लाइक अगर मैं ऐसी कॉपी में काम करूं जिस कॉपी में मैंने नोट्स बहुत सुंदर बनाए हैं, एकदम अच्छे नोट्स बनाए हैं, तो मेरा मन करेगा उसको बार बार देखने का। और अगर मैं उसको ऐसे ही रफ कॉपी में कटिंग्स वगैरह करके बिना मेहनत के, मतलब बिना मन से मैं उस काम को करूं, तो फिर हमारा उस नोटबुक को बार बार देखने का मन नहीं करेगा। तो आपको एक ऐसी नोटबुक ले लेनी है। इसमें करना क्या है, देखो एक तरफ आएंगे डायग्राम्स, मैं जितने भी आपको किंगडम, उनकी फाइलम, डिवीजन, जो कुछ ये मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको यहाँ लिख देना है। लाइक अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ भी, डिवीजन पढ़ा रहा हूँ कुछ भी, ठीक है ना, डिवीजन एक्स वाई जेड कुछ भी नाम हो सकता है इसका, ठीक है। आपको यहाँ पे डालना है सबसे पहले हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप यहाँ पे हेडिंग डालना, और सिंगल अंडरलाइन करना है, ओनली सिंगल अंडरलाइन, ठीक है। ये अंडरलाइन करने के बाद आप यहाँ पे इनके फीचर्स देखो, जैसे कि इसका हैबिटेट क्या है, मतलब कहाँ पे ये रहता है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। वो सब मैं आपको बता दूंगा कहाँ से लिखना है, आपको सब आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें से लिख लेना। फिर इसका न्यूट्रिशन कैसा, मतलब ये खाना पीना कैसे करता है, ठीक है, ये सब चीजें आपको लिखनी है, और फिर वो आप यहाँ लिख दोगे। एग्जाम्पल्स जब आएंगे तो एग्जाम्पल्स आप लोगों ने लिख लेने, तो इधर ही है, जैसे एग्जाम्पल वाली जो भी लाइन आएगी इधर लिख दोगे, लेकिन लेफ्ट साइड में जो ये अनरूल्ड साइड है, इधर में आप डायग्राम बनाओगे, जो भी डायग्राम है। एंड डायग्राम आप पेंसिल से बनाएं तो अच्छा रहेगा, अगर आप पेन से कॉन्फिडेंट है तो। देखो चेक तो कोई कर नहीं रहा है, हालांकि रूल्स यही कहते हैं कि आपको पेंसिल से डायग्राम बनाने चाहिए, और इसके नीचे से साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि साइंटिफिक नेम सेपरेट अंडरलाइन होना चाहिए, वो भी रूल्स यहाँ फॉलो करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे। एक और चीज यहाँ करनी है, इस साइड में एक बॉक्स बनाना है, इस बॉक्स में आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना, कि पहले तो इसका साइंटिफिक नेम आप यहाँ ऊपर लिख देंगे, फिर ये कौन से किंगडम का है, क्या फाइलम है या डिवीजन है, ठीक है, क्लास लिख देना, फैमिली लिख देना, और जीनस लिख देना, स्पीसीज लिख देना। ये सब चीजें आपको लिख देनी है, और ये आप लिखोगे कहाँ से, ये आप सर्च कर लेना नेट से और वहां से लिख लेना। जैसे अगर मैंने कोई भी एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया मिथेनो बैक्टीरियम, तो मिथेनो बैक्टीरियम को आपने गूगल पे सर्च करना है। गूगल पे आपको सब किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सब आपको मिल जाएगा, वो आपको वहां से लिख देना है, ठीक है। ये रूल्स है, आपको हर एक ऑर्गेनिज्म या फिर हर एक डिवीजन के बारे में ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। सर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करूँ। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? हेलो, वो कॉल आ गई थी एक, आप बताइए आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। ओके, तो ये समझ में आ गया कैसे नोटबुक बनानी है आपको। अब हम फिर क्लास को आगे पढ़ेंगे, पहले ये बताओ सबको समझ में आ गया मैंने कैसे बोला है कि नोट्स कैसे बनाने हैं इसके, ठीक है ना। सर ये इसी चैप्टर के लिए बनाने हैं या पूरी नोटबुक ही ऐसी चाहिए? देखिए, हाँ ये सही बात कही आपने, देखिए किस किस चैप्टर के लिए बनाने हैं, ये बात सुन लीजिए।
ये बनाना है आपको चैप्टर 2 के लिए, चैप्टर 3 के लिए और चैप्टर 4 के लिए। ये सभी चैप्टर ऐसे ही बनेंगे क्योंकि इनमें हम ना क्लासिफिकेशन और यही सब पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इनके ऐसे ही बनेंगे नोट्स, ठीक है ना। और बिलीव करो, इस तरह से जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें, और आपको फिर इस चैप्टर को पढ़ने का मन भी करेगा। हालांकि ये चैप्टर्स बोरिंग होते हैं, लेकिन आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट हुआ। बायोलॉजी वाले बच्चों को ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। आप डायग्राम्स बनाओगे बहुत सारे, जो एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखे वो भी डायग्राम आप बनाओगे। मैं बताऊंगा कहाँ से बनाओगे, ठीक है ना, मैं बताऊंगा कहाँ से बनाओगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गया जो बताया है? ये बताइए पहले यस मुझे। सर, हाँ जी सही है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसको शेयरिंग करना बंद कर देता हूँ, इसको आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और अब हम क्लास की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, आज मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है, किंगडम मोनेरा बता रहा हूँ, और इसमें बस आज हम आर की बैक्टीरिया पढ़ेंगे। हालांकि किंगडम मोनेरा में और कौन कौन से इसके डिवीजन है हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाँ जी, इधर आप देखिए, और यहाँ पे है किंगडम मोनेरा, ठीक है। और मोनेरा किंगडम में सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं, सभी बैक्टीरिया आते हैं, ऐसा मैंने आपको कल बताया था, ठीक है ना, याद है या नहीं है? किंगडम मोनेरा में क्या क्या आएगा, ठीक है, सभी क्या आएंगे इसमें, बैक्टीरिया आएगा, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अब देखो किंगडम मोयरा के अंदर कौन कौन से इसके डिवीजन आएंगे वो देख लीजिए एक बारी। सबसे पहले आ रहा है इसमें आर की बैक्टीरिया, ठीक है ना, आर की बैक्टीरिया। देखो बच्चों, आर की बैक्टीरिया मैंने कल भी बताया था, आर की मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। आर की मीन्स होता है प्रिमिटिव, ठीक है ना, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब इसका मतलब है प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन पर मिलते हैं। खैर, हम ये चीज पढ़ने ही वाले हैं अभी थोड़ी देर में, तो थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद है इसमें यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो आजकल हमें दिख रहे हैं, जो एकदम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को एकदम परफेक्टली डिफाइन करते हैं। अगर मुझे बैक्टीरिया के बारे में कुछ भी स्टडी करना है तो मैं यू बैक्टीरिया के बारे में ही स्टडी करूंगा, बाकी सब में थोड़ा बहुत चेंजिंग है वो बताऊंगा मैं टाइम के साथ। जैसे कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, जबकि बैक्टीरिया का जो सेल एनवलप है, सेल एनवलप है, उसमें तीन लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर होता है इसमें आपका सेल वॉल, एंड सबसे अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तीन लेयर्स होती हैं बैक्टीरिया में, तो सबसे अंदर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। और इसके ऊपर होती है कौन सी लेयर, सेल वॉल, ठीक है। और इसके ऊपर होती है कौन सी लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स। ये चीजें मैं आपको फ्यूचर में पढ़ा दूंगा, जब मैं आपको सेल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब हम पढ़ रहे होंगे द टॉपिक नेम्ड प्रोकैरियोटिक सेल, कि प्रोकैरियोटिक सेल होती कैसी। लेकिन मैंने आपको बता दिया प्रोकैरियोटिक सेल में एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं, जैसे कि मैंने कल बताया था, ठीक है। और इसकी जो सेल एनवलप है, बैक्टीरियल सेल एनवलप, इसमें तीन लेयर्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये जो बैक्टीरिया की हम स्टडी करते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल की जो हम स्टडी करते हैं, जो रियल में हम स्टडी करते हैं, एकदम जो सभी स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है बैक्टीरिया की, वो कौन सा डिवीजन करता है, वो करता है यू बैक्टीरिया, ठीक है ना। आर की बैक्टीरिया पुराने अर्थी कंडीशन वाला बैक्टीरिया है। और फिर आ जाते हैं हम लोग एक्टिनोमाइसिटीज, इसके कुछ गुण आपको फंजाई से मैच करते हुए मिलेंगे, है ना। ये भी एक कंप्लीट बैक्टीरिया की तरह नहीं है। साइनो बैक्टीरिया जो है, इसके गुण थोड़े से आपको एलगी से मिलते हुए दिखाई देंगे। साइनो बैक्टीरिया किससे मिलेंगे, एलगी से,
ठीक है बच्चों, और एक्टिनो माइसिटी से किससे मैच करते हुए दिखाई देंगे फ्यूचर में हमें, थोड़े बहुत फंजाई से, क्योंकि माइसीलियम दिख रहा है ना, माइसीलियम, माइसीलियम फंजाई का कैरेक्टर है। माइको वर्ड आ गया, माइको मैंने आपको पढ़ाया था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में कि माइकोलॉजी क्या होता है, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है ना, एंड फाइकोलॉजी इज व्हाट, स्टडी ऑफ एल्गी, क्लियर है, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो इस बैक्टीरिया के गुण किससे मिल रहे हैं, इसके भी फंजाई से मिल रहे हैं कुछ, ठीक है ना, और ये प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन वाला बैक्टीरिया है। तो जो एकदम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को परफेक्टली डिफाइन करते हैं वो यू बैक्टीरिया है, क्लियर हुआ। बताइए। ओके यस अब देखो हम ना इनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो मैं आपको इन सब के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए नीट पर्पस के लिए अगर आपको नीट क्रैक करना है तो उसमें ना एग्जाम्पल्स पे खास फोकस रखें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन आते हैं और वो ही आपके कंफ्यूजन का रीजन बन जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आर्किबैक्टीरिया के एग्जाम्पल से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया बच्चों, ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा आर्किबैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या रहे हैं, पढ़ते हैं आर्किबैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या क्या है। देखिए एक तो है मिथेनो बैक्टीरियम और है मिथेनो कोकस। देखिए कोकस जहां भी वर्ड आ जाए, कोकस जहां भी आ जाए, कोकस कोकस मतलब होता है स्फेरिकल बैक्टीरिया, ठीक है ना, कोकस मतलब क्या होगा, स्फेरिकल होंगे बैक्टीरिया आपके, ठीक है, याद रखना ये बात, कोकस मीन्स स्फेरिकल। ऐसे और भी शेप हैं बैक्टीरिया की, जैसे कि बेसिलस अगर आ जाए, बेसिलस मतलब होता है रॉड शेप, रॉड शेप, रॉड शेप में सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया, ठीक है, इस तरह के। कोकस मीन्स स्फेरिकल बैक्टीरिया, सर्कुलर भी बोल देते हैं, लेकिन सर्कुलर इज अ वर्ड फॉर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया थ्री डायमेंशनल है तो इसीलिए स्फेरिकल बोला है मैंने, ठीक है ना। बेसिलस सच में आ गया, बेसिलस, क्लियर, बेसिलस के बैक्टीरिया कैसे होंगे, रॉड शेप होंगे, कोकस से कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। और भी हैं, विब्रियो अगर आ जाए, विब्रियो, विब्रियो का बैक्टीरिया होगा कोमा शेप, कोमा शेप ऐसा होता है, कोमा शेप, ठीक है। अच्छा स्पायरुलिना आ जाए, स्पायरुलिना, स्पाइरुलिना बैक्टीरिया होता है स्पाइरल शेप, स्पाइरल। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। अच्छा फिर और भी कोकस में भी वेरी करती हैं चीजें, जैसे कि स्ट्रेप्टो अगर वर्ड है, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो मीन्स होता है चेन, अगर कोकस बैक्टीरिया एक चेन फॉर्म कर रहा हो। ये सभी चीजें मैं आपको साइटोलॉजी में पढ़ा दूंगा, ठीक है, जब मैं आपको सेल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। फिलहाल जब बातें छिड़ जाती हैं तो मेरे से रुका नहीं जाता है, बस ये बात है, ठीक है। अच्छा मैं इस सबको इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बच्चों, आई होप ले लिया होगा, बोल नहीं पा रहे, ठीक है। अच्छा फिलहाल आगे बात करते हैं। तो मिथेनो बैक्टीरियम, देखो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, और ये मिथेनो बैक्टीरियम मिलते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, ये मिलते हैं का डंग में मिलते हैं, डंग, डंग मतलब होता है गोबर, ठीक है ना, गोबर के अंदर मिलते हैं। आपने गोबर गैस तो सुना होगा कभी जिंदगी में, तो और नेचुरल गैस भी सुना होगा, नेचुरल गैस, यस सर नेचुरल गैस हम मीथेन को बोलते हैं, ठीक है ना। और मीथेन को कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीथेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं ये मीथेनो बैक्टीरियम, जो कि कहाँ मिलते हैं, डंग में मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी मदद से हम मीथेन गैस बनाते हैं, मतलब नेचुरल गैस बनाते हैं। और जब हम इस नेचुरल गैस को कंप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, कंप्रेस, जब हम इस नेचुरल गैस को कंप्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, सीएनजी, सीएनजी मींस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, समझ में आ गया बच्चों, इतना आसान है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे बात,
आगे बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या क्या है? यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी। अच्छा बता ना विब्रियो मीन्स क्या होगा? कॉमा शेप्ड हाँ एंड देन है ज़ेंथोमोनास सिट्री। ठीक है विब्रियो कॉलेरी एक बीमारी फैलाता है जिसका नाम है कॉलेरा। कॉलेरा। हाँ कोलेरा बीमारी फैलाता है। अच्छा बच्चों इसके बाद साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल है नॉस्टॉक है एनाबीना है। अभी जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी दिखा देता हूँ मैं। अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी ये यहाँ देखिए ये जो ड्राइंग आप देख रहे हो ठीक है ये है एनाबीना। क्लियर है? अच्छा आगे चलते हैं ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया नॉस्टॉक एनामिना। ठीक है अच्छा इसके बाद आते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है माइक्रोबायो बाइस्पोरा एंड देन है स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है इसके बाद है नेक्स्ट है एम होमिनेस। जो आपका माइकोप्लाज्मा है ना इसी से ये वर्ड आया एम। ठीक है ना मैंने इसको शॉर्ट में लिखा हुआ एम। एम को एम की जगह आप यहाँ पे माइकोप्लाज्मा लिख सकते हो। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा होमिनेस क्या काम करता है? माइकोप्लाज्मा होमिनेस क्या काम करेगा? ये ना ह्यूमन के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज करता है याद रखना। ह्यूमन के अंदर क्या कॉज कर देगा? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी होता क्या है? ये एक ऐसा केस है जिसमें कि ह्यूमन संतान पैदा नहीं कर सकता है मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकता है तो उस कंडीशन को इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और ये कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है इस डिसीज को? माइकोप्लाज्मा होमिनेस। फिर है एम फेरिंजिस। ठीक है ना अच्छा माइकोप्लाज्मा इस दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के ऊपर सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा ही है। इसका साइज 0.1 माइक्रोन दे रखा है बहुत ज्यादा छोटा है। इसको एक और नाम से हम बुलाते हैं PPLO। माइकोप्लाज्मा के लिए एक और नाम क्या है? PPLO। PPLO मीन्स प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना ये आप याद रख लीजिएगा। इनके साइज बहुत ज्यादा छोटे होने की वजह से इनको माइकोप्लाज्मा को मॉलिक्यूट्स बोला जाता है। ठीक है ना मॉलिक्यूट्स याद रखना। अगर आपसे मैं कहीं पूछूं कि बताओ बच्चों मॉलिक्यूट्स क्या होते हैं हालांकि एनसीईआरटी में नहीं बता रखा है लेकिन आपको बता देना है कि माइकोप्लाज्मा को ही मॉलिक्यूट्स बोलते हैं। ठीक है तो ये हो गया यहाँ पे खत्म। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखो आर की बैक अब मैंने आपको बताया था ना कॉपी बनानी है आपने और उस कॉपी में आपको करना क्या है? एक तरफ ड्राइंग बनानी है और एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर लिखने हैं इनके। तो आप आर की बैक्टीरिया हेडिंग डाल देंगे और फिर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और फिर उसके बाद पहला पॉइंट बनाएंगे हैबिटेट। मतलब हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पे कोई जीव पाया जाता है मतलब द प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जहां पे कोई जीव रहता हो तो इनका जो हैबिटेट मैंने बताया था आर्किबैक्टीरिया जो है वो पुराने अर्थ की कंडीशंस में मिलते थे जहां पे अर्थ बहुत ज्यादा गर्म रहती थी। ठीक है ना तो देखो ये ऐसे बैक्टीरिया है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस पे जी सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस पे जी सकते हैं इसीलिए इनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स बोल सकते हैं। ठीक है ना कहाँ पे मिलेंगे? ऐसे टेम्परेचर पे मिलेंगे जो कि कितना ज्यादा टेम्परेचर है इतने में तो इंसान उबल जाएगा भाई पूरा पानी उबल जाता है इस टेम्परेचर पे तो। ठीक है ना तो 113 डिग्री सेल्सियस पे ये रह सकते हैं और ऐसे बैक्टीरिया जो 113 डिग्री सेल्सियस पे रह सकते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। मैं आपसे पूछ सकता हूँ डिफाइन थर्मोफाइल डिफाइन थर्मो एसिडोफाइल्स है ना ऐसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ तो आपको बता देना है। थर्मोफाइल्स क्या है? ऐसे बैक्टीरिया जो कि हाई टेम्परेचर पे एडप्ट कर सके जी सके और ये बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे भी मिलते हैं। मतलब साइक्रोफाइल्स जो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? साइक्रोफाइल्स। ठीक है अच्छा अगर ये हॉट स्प्रिंग्स देखो ये हॉट स्प्रिंग्स पे भी मिलते हैं
हॉट स्प्रिंग्स पे मिलते हैं, गर्म झरने जो होते हैं, हाँ ये मिलते हैं, तो उन बैक्टीरिया को हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। मीथेनोजेंस जो मार्स दलदली एरिया में मिलेंगे उनको हम बोलते हैं मीथेनोजेंस, जो सॉल्टी एरिया में मिलेंगे उनको हम बोलेंगे हेलोफाइल्स। क्लियर है? और जो एल्कली फाइल्स, आप खुद बताओ ये कौन से पीएच पे मिलेंगे, पीएच मोर देन 7 और लेस देन 7, सोच के बताना। मोर देन हाँ सेवन पीएच मोर देन 7, समझ गए ना बच्चों, जो एल्कली कंडीशन में मिलेंगे मतलब बेसिक कंडीशन में मिलेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? हैबिटेट इजी है ना, चैप्टर देखो बहुत आसान है, लेकिन इसमें क्योंकि कॉन्सेप्ट्स नहीं होते तो बोर करता है ये चैप्टर। ठीक है, फिलहाल ये जो बताया सर में आ गया हैबिटेट्स, आपको कुल मिला के बस प्रस्ताव ही लिखना है इनके बारे में कि भाई इनके बारे में बस फीचर्स ही बताने, प्रस्ताव लिखने, ये प्रस्ताव तो लिख रहे हैं आर की बैठे के, प्रस्ताव सुनाओ भाई, तो आप सुना देना प्रस्ताव क्या होता है। ठीक है, प्रस्ताव मतलब जैसे आपने दी काउ का लिखा था ऐसे। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी मतलब इसकी बॉडी किससे बनी हुई है, मतलब इसकी बॉडी के बारे में बताना है, तो इसकी सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है। अच्छा मैंने यहाँ पे लिख रखा, हाँ लिख रखा यूनिसेलुलर लिख रखा है, तो यूनिसेलुलर तो जानते होंगे। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब बताना मुझे कोई। प्रिमेटिव प्रिमेटिवली कैरियो, कैरियो मींस बताओ, कैरियो प्रिमेटिव सेल सेल्स से कहते हैं शायद प्रोटीन नहीं, को इनका अपने वेल अंदर डिफाइंड रखते न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो इनके अंदर एब्सेंट है। ठीक है ना, ये बात याद रखना, मतलब कि इनके पास क्या नहीं मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर घूमेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा वो सेल के अंदर, और इसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ये सब मैंने बताया था, चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैंने अभी आपको बताया था कि एक बैक्टीरिया के पास तीन लेयर होती है, सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स और फिर सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है पेप्टिडो ग्लाइकन की, वो किससे बनी है, पेप्टिडो ग्लाइकन। ठीक है ना, एक सबस्टांस पेप्टिडो ग्लाइकन उससे बनी हुई है। मैं बता देता हूँ अब भी और खोल के, पेप्टिडो मींस प्रोटीन मतलब प्रोटीन, और ग्लाइकन मतलब ग्लूकोज, प्रोटीन और ग्लूकोज से मिलके, और ग्लूकोज एक शुगर है, मतलब कि प्रोटीन और शुगर से मिलके क्या बनी होती है, इनकी लेयर बनी हुई होती है सेल वॉल। इस पेप्टिडो ग्लाइकन का एक और नाम है जिसको हम बोल सकते हैं म्यूरिन। ठीक है ना, म्यूरिन, पेप्टिडो ग्लाइकन को हम म्यूरिन भी बोल सकते हैं। अब नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं, जो असली बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरियल सरफेस को एकदम अच्छे से डिफाइन करते हैं, उनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर तो म्यूरिन मिलेगा, लेकिन जो आर की बैक्टीरिया है इनकी सेल वॉल में क्या नहीं है, म्यूरिन नहीं है। ठीक है ना, अच्छा शेप कैसी कैसी मिल सकती है इनकी, इनकी शेप मिल सकती है रॉड शेप मिल सकती है, स्पाइरल शेप मिल सकती है और मार्बल शेप मिल सकती है। ठीक है, अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अगर आपको कुछ बताऊं, मैंने बता रखा है शायद, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड, ये जो सब्सटेंस है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, इसको बोलेंगे फॉस्फोलिपिड, और क्योंकि दो लेयर है इसलिए हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है ना, हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसमें फॉस्फोलिपिड होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है ना, और क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, मतलब कि किसी की भी सेल मेम्ब्रेन में देखो क्या क्या मिल सकता है, फॉस्फोलिपिड मिल सकता है, प्रोटीन मिल सकता है। ठीक है, और क्या मिलेगा देखो बच्चों, और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी मिल सकता है। ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल यहाँ बीच में कहीं पे कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है और क्या मिल सकता है, ठीक है कोलेस्ट्रॉल हो गया, मैंने कोलेस्ट्रॉल बना दिया अंदर में, और इन प्रोटीन के ऊपर जुड़े हुए कुछ शुगर मिल सकते हैं, शुगर मतलब ग्लूकोज मान लो आप फिलहाल में, अगर आपको इतना ही समझना है तो, मतलब कुछ शुगर भी मिल सकते हैं, शुगर। ठीक है, क्या मिल सकता है, शुगर।
तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या मिल सकता है आपको याद रखना है, एक तो मिल सकता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब फॉस्फोलिपिड मिल सकता है, लिपिड या फैट आप कुछ भी बोल दो ठीक है। अच्छा प्रोटीन मिल सकता है, शुगर मिल सकता है, कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है, ठीक है, ये सब मिलते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नॉर्मली। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी लेयर है जो सभी लिविंग बींग से मिलेगी, जितने भी लिविंग सेंस दुनिया में, सबके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर मिलेगी, उनकी सेल में, सभी लिविंग बींग की सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर मिलेगी, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यूनिवर्सल मतलब जो सभी के अंदर मिले, तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर मिलेगी, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल मेम्ब्रेन बोलते हैं ठीक है। अच्छा लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है, आर्किबैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यूनिकली, मतलब सिर्फ इसके अंदर मिलेगा। देखो एक वर्ड होता है यूनिक, एक होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब जो सबके अंदर मिले, और यूनिक का मतलब जो सिर्फ इसके अंदर मिलेगा, आर्किबैक्टीरिया के अंदर ही मिलेगा। तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक केमिकल कंपाउंड हमें देखने को मिल रहा है जो कि है आइसोप्रेनाइल ईथर। ईथर क्या है? आपने 10th क्लास के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने को मिल जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिलहाल देखो बच्चों क्वेश्चन कहाँ से फंसते हैं, जो यूनिक यूनिक फीचर है ना यहाँ से फंसते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल से फंसते हैं क्वेश्चन। अब जैसे ये यूनिक फीचर हो गया, ये यूनिक फीचर हो गया कि सभी बैक्टीरिया के अंदर तो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है लेकिन इसकी पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनती, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब क्या होता है? अपनी पोजिशन बदलना, ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता कैसे है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेगा कैसे, तो ये पहुंचता है फ्लैजिला की मदद से। इसके अंदर क्या होता है? फ्लैजिला होता है ठीक है। अच्छा फ्लैजिला दिखता कैसा है, मैंने ये भी दिखा देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर, ये हेयर लाइक, मतलब ये बड़ी सी स्ट्रक्चर, इसकी मदद से ही बैक्टीरिया क्या होता है, पोजीशन चेंज कर पाता है, मतलब लोकोमोशन कर पाता है, इसी को हम फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिला को डिटेल में पढ़ा देंगे जब मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा ठीक है। फिलहाल बस याद रखें ये कोई स्ट्रक्चर है, टेल लैग स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की, जिसकी मदद से ये क्या कर पाता है, लोकोमोशन कर पाता है ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं, लोकोमोशन हो गया है, अब इसके बाद देखो आगे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया यस सर। ओके। चलो आगे चलते हैं, मैं इसको मिटा देता और ये भेज देना मेरे पास स्क्रीनशॉट ठीक है। अच्छा इसके बाद अब ये लास्ट है, देखो बच्चों क्या है, आर्किबैक्टीरिया न्यूट्रिशन मतलब कि खाना पीना कैसे, मतलब अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करता है, तो मोस्टली इसका न्यूट्रिशन कीमोसिंथेटिक प्रोसेस से होता है। देखो बच्चों अब यहाँ पर ध्यान रखना, मैं कुछ बात बता रहा हूँ। ऑटोट्रॉफ्स दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स दो तरह के होते हैं। पहले तो ये बताओ ऑटोट्रॉफ्स होते क्या है? हाँ हाँ जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो ये दो तरह से होंगे, एक तो होगा फोटो ऑटोट्रॉफ, एक होगा फोटो ऑटोट्रॉफ्स, एक होगा कीमो ऑटोट्रॉफ्स। एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स ठीक है, सुनिए अब ध्यान से। अच्छा फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो मतलब होता है लाइट ठीक है। अच्छा अब ये मत पूछना कल की तरह की सर फिर जो फोटो हम खींचते हैं उसमें फोटो का मतलब क्या होता है ठीक है। अच्छा फोटो ऑटोट्रॉफ क्या है? जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना बनाएंगे, और कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस से और ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाएंगे ठीक है ना, मतलब ये केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे फॉर मेकिंग देयर ओन फूड, और ये लाइट के ऊपर डिपेंड करेंगे टू मेक देयर ओन फूड ठीक है ना। कीमो ऑटोट्रॉफ कहीं ना कहीं फोटो ऑटोट्रॉफ से बने हुए प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करते हैं, लेकिन आप ये बात याद रखना ये फिर भी ऑटोट्रॉफ है, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं।
कीमोटोट्रॉफ्स, ठीक है। अच्छा इसके बाद है रेस्पिरेशन, मतलब ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। रेस्पिरेशन इज व्हाट, रेस्पिरेशन इज जस्ट अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इनके अंदर कैसे होता है, एन एरोबिक होता है। इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, एन एरोबिक। एन एरोबिक मीन्स इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, यू ऑल नो अबाउट दिस प्रोसेस, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ठीक है ना, इनका कैसे होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड से होता है, वो भी कैसे, बाइनरी फिजन से। कोई बताएगा मुझे बाइनरी फिजन क्या होता है, आपने अभी अभी 10th क्लास पास करी है। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू टू डॉटर ऑर्गेनिज्म, हां ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, दो डॉटर सेल्स, इसी को बाइनरी फिगर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो ये एक अलग फीचर है जो सिर्फ आर की बैक्टीरिया के अंदर ही देखने को मिल रहा है, जो एकदम डिस्टिंक्ट फीचर है इसका, इस पे खास ध्यान देना हमेशा। तो इनकी जो प्रेजेंस है वो कहाँ मिल रही है, ऐसी कंडीशन मिल रही है जो पहले किसी पुराने अर्थ पे, जो हमारी पुरानी अर्थ है उस पर मिलता था ना जो एनवायरमेंट, उसी सेम एनवायरमेंट में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमें एक पॉइंट दे रहा है प्रिमिटिव ओरिजिन का, कि ये बैक्टीरिया सबसे पहले आए थे अर्थ पे, ठीक है ना, सबसे पहले यही बैक्टीरिया आए थे। अच्छा इसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे एग्जाम्पल रह जाता है, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, वो आपको लिख लेने हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, एक तो है मिथेनोबैक्टीरिया मिथेनोकोकस, ठीक है वो लिख लेना। और जो वाइट जो अनरूल्ड साइड है आपके नोट्स की, वहां पे आप इनकी कोई भी ड्रॉइंग गूगल से सर्च करके बना लेना और उनके बारे में एक बॉक्स में वो डिटेल्स लिख देना जो मैंने बताई थी, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया कैसे काम करना है, तो आज इतना काम कर लो, कल फिर मैं और बर्डन देने वाला हूँ, ठीक है। आज बस क्योंकि आप लोग समझोगे, नोट्स खरीदने जाओगे, ठीक है, इसीलिए आज मैंने आर की बैक्टीरिया ही पढ़ाया है। कल हम क्या करेंगे, कल हम यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज माइकोप्लाज्मा चारों खत्म करेंगे, तो बर्डन बढ़ जाएगा, इसलिए डेली का काम डेली करें। और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इसके बाद, इसके बाद बस वायरस वायरॉइड्स प्रियॉन्स ये सब रह जाएंगे, वो तीन चार टॉपिक वो मैं पढ़ा दूंगा। तो कल और परसों, परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप वही काम करते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, क्लियर है, कर दोगे इतना काम, ठीक है ना। चलो yes, sir. ये मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।